खुशी की बात है भाई, खुशी की बात। कोई शिकायतें हैं मोहल्ले केंद्र में कि ये काम होना चाहिए, क्या आशा है पार्षदों से? यही है कि रोड गंभे की लाइटें वगैरह बस यही चाहिए, और क्या चाहिए? बोरिंग लगवाना चाहिए यहाँ पर, नाली भी बनना चाहिए, रोड भी बनना चाहिए, नेक्स्ट टाइम भी रहने को जिताएंगे अगर ये इन्होंने काम किया तो। पिछला पार्षद जो जीता था आपके बार, एक भी बार आया था जी, हम वार्ड 57 से चुनाव जीते हैं, तो हम सबको डोर टू डोर थैंक्स गिविंग इवेंट कर रहे हैं, इसमें हम सबको फूल माला पहना रहे हैं जिन्होंने हमको वोट दिया है, क्योंकि उनकी वजह से ही हम जीते हैं यहाँ पे। तो सब लोग खुश है कि चलो पहली बार कोई ऐसा पार्षद आया है जो वोट मतलब जीतने के बाद आया है, तो सब खुश है हम। और हम चाहते हैं कि सारे जो वार्ड की जितनी भी प्रॉब्लम्स हो वो सारी हम सॉल्व कर देंगे। आपने डोर टू डोर अभी गए हैं, तो किसी जनता की तरफ से कुछ ये कहा गया कि हमारे मोहल्ले केंद्र में ये कमी है, कुछ ऐसा कुछ नोटिस करवाया गया? हाँ, जैसे रोड नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम है, लाइट्स नहीं है, पोल की सिस्टम है, वो सब बताया गया है, पहले भी बताया था, अभी भी बताया है, तो हम धीरे धीरे उसको सॉल्व कर देंगे। जैसा कि सभी को विदित है, हाल ही में जो नगर निकाय चुनाव हुए हैं वहाँ से हमारे प्रत्याशी हेतल गरासिया जी ने वार्ड नंबर 57 से चुनाव लड़ा है, और जिस तरह से जनता ने विश्वास दिखाते हुए भारी मत दिए हैं और एक लीड से हमें जीत दिलाई है, तो इसी क्रम में हम कार्यक्रम की शुरुआत आज हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल रहे सम्माननीय स्वर्गीय हरदेव जी जोशी की समाधि स्थल से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। और हम एक नए कॉन्सेप्ट से आए हैं कि हम राजनीति या नेतागिरी नहीं करने आए हैं, हम सेवा करने आए हैं जनता की। और जैसा कि आज हम सभी कार्यकर्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जो वार्ड में रहने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, सेवा दल के पदाधिकारी हैं, और यहाँ से जो प्रत्याशी रही हैं हेतल गरासिया जी, वो भी साथ में हैं, तो हम उन सभी मतदाताओं के घर घर जाके उनका धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं कि जिस तरह से नगर निकाय चुनावों में हमने सबके घर घर पे दस्तक देकर वोट की मांग की थी, तो अब ये हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम उन्हीं मतदाताओं को माल्यार्पण करके और उनके घर घर जा करके और उनका धन्यवाद अर्पित करें ये, और उनके साथ ही हम साथ साथ वार्ड में जो भी समस्याएँ हैं उन समस्याओं को हम साथ में ले करके और उन सभी कार्यों को जल्दी से जल्दी पूरा कराने का हम प्रयास करेंगे। जिस प्रकार के लोग समस्या बताएं, क्या उनका एक नोटिस बोर्ड भी तैयार किया जाएगा आपको? हम जिस तरह से पहले हम ले रहे हैं, क्योंकि बेसिकली मैं भी एक मैनेजमेंट स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि वार्ड में जो बेसिक समस्याएं हैं या जो मूलभूत आवश्यकताएं जिसे हम एसेंशियल नीड्स कह सकते हैं जो वार्ड की, तो वह जो भी समस्याएँ हैं उन सारी समस्याओं को नोट किया जाएगा, और इसी क्रम में समस्याओं को नोट करके और इस वार्ड में एक जो है वो जनता दरबार लगाया जाएगा, और उस जनता दरबार के अंतर्गत जितने भी वार्ड के रहने वाले लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जो किसी की पेंशनधारी हैं या किसी का राशन कार्ड है या किसी का भामाशाह कार्ड है या किसी की और अन्य मूलभूत सुविधाएं, नाली, सड़क, बिजली के कार्य हैं, तो उन सभी को जनता दरबार में नोटिफाई किया जाएगा, नोटिस किया जाएगा, और उनको नोट डाउन करने के बाद एक के बाद एक उन सारी समस्याओं पर पुरजोर कार्यक्रम करने के लिए हमारे क्षेत्र के सम्माननीय मंत्री और विधायक अर्जुन सिंह जी बामनिया साहब से और हमारे नगर परिषद के सभापति सम्माननीय जैनेन्द्र जी त्रिवेदी साहब के निर्देशन में उसे पूरा किया जाएगा।